नमस्कार, सिंपल होम कुकिंग विद वंदना उमेश में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बुरेटो। ये मैक्सिको का बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए बनाते हैं एक बुरेटो। एक बुरेटो बनाने के लिए सबसे पहले हम सालसा बनाएंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, ये टमाटर लिया है, इसका मैंने अंदर का पोर्शन निकाल लिया है, सॉफ्ट पोर्शन। धनिया को मैंने चॉप करके रख लिया है और ये दो हरी मिर्च लिया है। ये लेमन जूस मैंने लिया है, ये करीब 1 टीस्पून है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल के चॉप कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, अंदाज से आप रखें। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये लेमन मैंने जूस लिया है, ये 1 टीस्पून है। पेपर हम लेंगे 1/2 टीस्पून। इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये हमारा चॉप हो चुका है। ये हमारा सालसा रेडी हो गया है। हम एक बुरेटो जो बनाएंगे उसमें हम राइस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या किया था, पहले राइस बना लिया था और इसको थोड़ा सा बटर में और तेल में मैंने हर्ब्स डाला था, पार्सले, थाइम और ऑर्गेनो और बेसिल। इसको थोड़ा सा मटर डाल करके और कोरिएंडर लीव्स भी डाला था, चारों डाल करके इसको मैंने थोड़ा सा जस्ट टॉस कर लिया था। तो ये हमारा रेडी हो गया है इस प्रकार से। इसको हम हर्ब राइस बोलते हैं। अब हम चलते हैं सॉफ्ट एक स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए। इसके लिए मैंने 4 एग लिया है, 1/2 ऑनियन को चॉप कर लिया है मैंने, 2 हरी मिर्च लिया है उसको चॉप कर लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स लिया था इसको चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एग में हम 4 टेबल स्पून मिल्क को मिलाएंगे। तीन टेबल स्पून ही मैंने डाला है और इसको अच्छे से फेंट लें। इसमें मैंने पहले 3 टेबल स्पून मिल्क डाला था, 2 टेबल स्पून और हम डाल रहे हैं। मैंने मिक्स करने के बाद लगा मुझे तो और पड़ेगा, इसलिए हम डाल रहे हैं। ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम चलते हैं इसको स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए। ये स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए मैंने घी लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे, इसको थोड़ा टॉस कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम बताते हैं क्या करना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। थोड़ा टॉस कर लिया है मैंने, अब इसमें हम स्क्रैम्बल्ड एग बनाएंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इसको पूरा पकाना नहीं है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। इसी में हो गया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा गीला गीला ये चाहिए। ये रेडी हो गया, देखिए इस प्रकार से होना चाहिए। एक बुरेटो बनाने के लिए मेरा सालसा, हर्ब डाइस और
सॉफ्ट स्क्रैम्बल्ड एग रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं टॉर्टिला बनाने के लिए। मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है, मैदा ये करीब 3 कप है, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, आप मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका हम डो बना लेंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है। इसको इस प्रकार से मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। इसको हम करीब 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अब हम तौतिया बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा यहाँ पे स्प्रिंकल कर लेते हैं ताकि बेलने में इजी हो। ये पतला ही होता है, आप जितना पतला कर सकते हैं उतना कर लें। ये हमारा तोतिया रेडी हो गया। अब हम इसको सेक लेंगे। ये इतना पतला मैंने रखा है। इसमें बबल आने लगा है, देखिए इसका मतलब हो गया। इसको अब हम पलट देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है सालसा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम सारा टॉर्टिया रेडी कर लेंगे। हमारा टॉर्टिया रेडी है, सालसा भी रेडी है, हर्ब राइस और स्क्रैम्बल्ड एग रेडी है। अब हम चलते हैं इसको असेंबल करने के लिए। इसमें हम लेट्यूस और ये चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और मायोनीज भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम पहले असेंबल करें, इसको हम असेंबल करेंगे। ये लेट्यूस हमने ले लिया है, इसमें हम राइस हर्ब राइस को डालेंगे। इसमें हम ये डालते हैं, अब हम इसके ऊपर स्क्रैम्बल्ड एग डालेंगे। अब हम इसके ऊपर मायोनीज डालेंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। चीज़ को हम ऐसे स्प्रेड कर देते हैं और इसको हम इस प्रकार से मोड़ेंगे। ये हमारा रेडी हो गया टॉर्टिया बुरेटो। इसी प्रकार से हम सारा रेडी कर लेते हैं। मैंने पैन लिया है, इसको मैंने इसमें थोड़ा घी डाला है ग्रीस होने के लिए। अब हम इसमें बुरेटो को सेकेंगे। थोड़ा पकने के बाद चिली डालेंगे। इसको मैंने 1 साइड पका लिया है करीब 1 मिनट। अब हम इसको पलट देंगे। इसको
इसको भी इस साइड भी हम 1 मिनट पका के फिर निकाल देंगे। गैस को मैंने मीडियम रखा है। ये हमारा रेडी हो गया, गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे, इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसी प्रकार से हम दूसरा भी कट कर लेते हैं। ये हमारा एक बुरेटो रेडी हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।